हुई जहां यूनियन बैंक हरमना का ताला तोड़कर अंदर घुसकर बदमाश लॉकर काटकर चोरी करने का प्रयास किए, लेकिन आरोपी बड़ी चोरी की वारदात में सफल तो नहीं हुआ पर दराज में रखे कुछ रुपए चोरी कर लिया। वही घटना की जानकारी दूसरे दिन हुई तो बैंक प्रबंधन ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर हनुमना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदेही के संबंध में जानकारी मिली है। वहीं पुलिस ने उस युवक को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पकड़ा गया आरोपी निवासी बसंत लाल पटेल बताया जाता है, जिसके कब्जे से कटर मशीन बरामद की गई है। आइए सुनाते हैं कार्रवाई के संबंध में हनुमना थाना प्रभारी शैल यादव को, जिन्होंने पूरी घटना के संबंध में मीडिया से चर्चा की है। कल बैंक मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हनुमना आकर के सूचित थाने में सूचित किए कि उनके बैंक के मेन गेट का जो शटर है और ताला, उसको किसी व्यक्ति ने काट करके और अंदर घुस करके चोरी करने का प्रयास किया है। और बाद में उनने सब चेक किया तो स्ट्रांग रूम को भी उसने मतलब काटने का प्रयास किया था पर सफल नहीं हो पाया था। और उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था इस संबंध में, जिसमें उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि 430 रुपये ड्रॉज से उक्त अज्ञात व्यक्ति ने चोरी भी किया है, जिस पे हम लोग तत्काल मामला पंजीबद्ध करके और बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पता रश की प्रयास किए। फिर हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति इस प्रकार का संदिग्ध है और उसके पास कटर वगैरह है, जो ढाबा ढाबा गौतमान गांव का रहने वाला है। फिर मुखबिर की सूचना पे हम लोग वहाँ गए और उस अमुक व्यक्ति से मिले, उससे पूछताछ की, जिसने अपना नाम बसंत लाल पटेल बताया। और फिर हमने उससे घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकारा और जो सीसीटीवी फुटेज थी उससे मैच कराया गया तो बिल्कुल मैच हो गया और हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और उक्त व्यक्ति से घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कटर, उसकी ब्लेडें, एक पिलास, टेप और चोरी हुए 430 रुपये बरामद कर लिया गया है। और आज उस अभियुक्त को हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किए हैं, जहां से जेल वारंट जारी करा करके और उप जेल मऊगंज हम लोग भेजेंगे।